दिलजीत दोसांझ यकीनन आज की तारीख में सबसे बड़े ग्लोबल पंजाबी आर्टिस्ट बन चुके हैं। बहुत कम वक्त में उन्होंने ये सफलता हासिल की है। एक और इतिहास रहा है दिलजीत दोसांझ के नाम। जी हाँ, दिलजीत दोसांझ ने कनाडा में एक और बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली है। इतनी बड़ी कि उसे देखने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी पहुंच गए। कनाडा के रॉजर्स सेंटर को दिलजीत दोसांझ ने सोल्ड आउट कर लिया, यानी कि वो पहले पंजाबी आर्टिस्ट बने जिनके कार्यक्रम में इतने लोग आए कि सारी टिकटें बिक गई, पूरा का पूरा सेंटर सोल्ड आउट हो गया। ये अपनी तरह का एक रिकॉर्ड है। इससे पहले कोचेला में भी उन्होंने इतिहास रचा था और सोल्ड आउट किया था। दिलजीत दोसांझ हर रोज नए कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ से मिलने की एक्साइटमेंट जस्टिन ट्रूडो की आंखों में साफ दिख रही है। उन्होंने दिलजीत को गले लगाया, उसके बाद दिलजीत की पूरी टीम के साथ कई तस्वीरें खिंचाई। दिलजीत ने अपने ही अंदाज में अपनी हुक लाइन बोली, पंजाबी आ गए ओए, ये कहते हुए उन्हें सुना जा सकता है। आपको बता दें कि इंस्टा हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए दिलजीत ने लिखा, विविधता कनाडा की ताकत है, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इतिहास बनते हुए देखने आए, हमने रॉजर्स सेंटर को सोल्ड आउट कर दिया है। दिलजीत की इस कामयाबी के साथ पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीय अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। दिलजीत की इस वीडियो को अब तक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने भी लिखा कि रॉजर्स सेंटर में रुककर दिलजीत को उनके शो से पहले शुभकामनाएं दी। कनाडा एक महान देश है जहां पंजाब का एक लड़का इतिहास बना सकता है और स्टेडियम्स को सोल्ड आउट कर सकता है। विविधता हमारी ताकत ही नहीं, ये एक महाशक्ति है।